दोस्तों आप सभी ने मेरा लास्ट MI के ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम लोग इस MI के ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर में किसी दूसरे कंपनी का लिक्विड सोप भर के इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो हे दोस्तों, आप लोग बी फॉरवर्ड और आज किस वीडियो में हम लोग इसका व्हाट्स इनसाइड वीडियो देखने वाले हैं, यानी कि इसे ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, कौन सा मैकेनिज्म फिट है, कौन सी मोटर, कितनी बड़ी मोटर फिट है और कौन सा पंप फिट है। और यही नहीं, इसको हम लोग चलाएंगे क्या भर के, हैंड सैनिटाइजर भर के चलाएंगे, साथ ही जो कोलिंग आता है ना शीशा साफ करने वाला, उससे भी भर के चलाएंगे और देखेंगे कि अगर उन दोनों को भर के चलाएं तो इसमें से क्या निकलेगा। तो फटाक से सबसे पहले भर के चलाते हैं, फिर इसका व्हाट्स इनसाइड वीडियो देखते हैं। दोस्तों मैं तंग आ गया था मोबाइल पे यूट्यूब पे क्रेज एप्लीकेशन का ऐड देख देख के, और इतनी बार ऐड देखा उसके बाद मैंने सोचा लॉट डाउनलोड करिए, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद मुझे एक चीज़ मालूम चली कि भाई ये लोग 1,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक के अमेजॉन वाउचर बांट रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे फोन पे जब नया नया आया था तब उसने 1,000 रुपये बांटे थे केवल ऐप को शेयर करने पर। तो इसमें मिनिमम 1,000 रुपये का अमेजॉन वाउचर आसानी से मिल सकता है सिंपली ऐप को इंस्टॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने पर, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड में 10, 20, 50, 100 या फिर कोई भी अमाउंट बस जमा कर देना है, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन होना चाहिए बस। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, अगर आप लोगों के सपोर्ट से कोई भी कूपन मिलता है तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि वाकई में ये लोग देते हैं या नहीं। और दोस्तों केवल 4 दिन का समय है, हो सके तो ट्राई जरूर से करना। दोस्तों पहले की तरह ही मुझे इसका आज फिर से ऊपर का कैप निकालना होगा बड़े सावधानी से। पिछली बार ये हल्का सा टूट गया था, लेकिन दूसरी बार निकालने पर क्या टूट जाएगा या फिर आसानी से निकल आएगा, भगवान आसानी से निकल आए, टूटे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, और आप लोगों के सामने निकाल लो, अभी तक तो नहीं टूटा है। ओके ओके ओके, तो भाई ओ फाइनली निकल आया। तो मैं छोटे से गिलास में सैनिटाइजर ले लेता हूँ, और ये रहा हमारा पंप, इसमें मैंने पाइप अटैच कर दिया है और इसे ऑन करता हूँ मैं, ये हो गया ऑन। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पहले का माल पानी देखो, हल्का सा निकल रहा है लेकिन वो पानी ही है, मैंने इसे धो दिया है। अब ये जाएगा सैनिटाइजर के अंदर, तो अब देखते हैं। ओ देखो भाई, ये देखो, तो अगर हम लोग इसमें सैनिटाइजर भर के यूज़ करेंगे तो इसका फ्लो कुछ इस प्रकार का होगा, कॉन्स्टेंट फ्लो नहीं होगा, एकदम बौछार तरीके से होगा, ये देखो। तो वैसे आपको क्या लगता है इसमें सैनिटाइजर भर के यूज़ करना चाहिए या नहीं? वैसे जो भी हो काम तो चल ही जाएगा मस्त हमारा सैनिटाइजर से भी। ये 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 चलो ठीक है, सैनिटाइजर की टेस्टिंग हो गई। तो सो इस बोतल में है कोलिन, ठीक है, आप इसमें भर के चलाते हैं अपना MI ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर, देखते हैं कैसा सीन बनेगा। ओके अच्छा, एक मिनट, ये देखो ये हल्का फेना बनाया दे रहा है, हल्का फोम बना जा रहा है। वैसे कोलिन भर के चलाने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन बहुत लोगों ने कहा था तो मैंने आपको दिखा दिया, कोलिन भर के चलाएंगे तो कुछ ऐसा हल्का फुल्का फोम आएगा। वैसे मज़ा बहुत आ रहा है, दे दे हाँ हट, बस चलो व्हाट्स इनसाइड, ये तो अपने आप ही बस 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 बस। दोस्तों अब वीडियो का सबसे मुश्किल पार्ट, इसे कहाँ से ओपन किया जाए, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है और मुझे इसे ख़राब भी नहीं करना है, तो देखते हैं इसे कैसे ओपन किया जा सकता है। दोस्तों मैं पिछले 15 मिनट से ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नालायक ओपन हो ही नहीं रहा, कितने सिक्योर तरीके से इन लोगों ने बना रखा है। और थोड़ा सा हुआ यार, एक मिनट, थोड़ा सा हुआ, यहाँ पे हल्का सा गैपिंग मिली मुझे। तो दोस्तों फाइनली ये ओपन हो गया है, यहाँ पे मुझे होल करना पड़ा बिल्कुल चोर तरीके से, हो जब चोर तरीके से अंदर होल किया और अंदर से ही इसके ताले को तोड़ दिया और ये ओपन हो गया।
यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स थे और कहीं पे भी कोई लॉक दिख नहीं रहा था कि कैसे ओपन हो। तो ओपन करने पर इसके ऊपर का हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है इसकी पीसीबी, यहाँ पे इसका टच वाला बटन है जहाँ पे एलईडी लगी हुई है, और ये देखो इसके आगे का हिस्सा, इसे और भी ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसका मोटर वाला पार्ट और पीसीबी अलग कर लिया ओपन करके। तो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, और ये देखो यहाँ पे नीचे एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें कि अटैच है दो पाइप, ये पंप वाला पाइप और ये एयर पाइप। देख लो आप लोग, नीचे से भी मैं आपको एयर पाइप का होल दिखाता हूँ बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे एक एयर पाइप दिया गया है, साथ ही इसके जो पंप वाले पाइप में एक वॉशर भी लगा हुआ है ताकि लीकेज ना हो, अच्छी तरीके से पंप हो जाए इसके अंदर का सोप। और ये देखो इसके IR सेंसर, यहाँ पे दो सेंसर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे दो होल हैं इसके पंप वाले ऊपर वाले पार्ट में। और ये रहा इसका पूरा पंप का सेटअप, यहाँ पे पंप भी है, मोटर भी लगी हुई है। इस पंप को भी हम लोग हो सकेगा तो ओपन करके देखेंगे। यहाँ पे ये देखो पीछे नोजल बनी हुई है जो कि अटैच होती है इसके ये सोप वाले पाइप में कुछ इस प्रकार से, है ना। उसके बाद यहाँ पे सेंसर जो है ना कुछ इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, तो जब हम लोग इसके नीचे हाथ ले जाते हैं तो यहाँ पे से मालूम चल जाता है और हमें सोप मिल जाता है। तो देखो किस तरीके से लॉक था इसके, मैंने चार लॉक ओपन कर दिए हैं, और कितना अलग तरीके का इसका पंप है। यहाँ पे इसकी मोटर में कुछ इस प्रकार से इसका पंप अटैच होता है, और इसका पंप का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल एक आरओ में जो पंप लगा होता है ना बिल्कुल वैसा ही है। और मैंने एक ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर का भी वॉच इनसाइड बनाया था, बिल्कुल वैसा ही इसका पंप है। ये देखो ये मूव होता है, इसके अंदर लगे जो वॉशर लगे हुए हैं वो बहुत तेज वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये सोप को पंप कर देता है। ये बहुत तेज मूव होता है कुछ इस तरीके से, मैं तो बहुत धीमे धीमे मूव करके आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों इसके ऊपर वाले पार्ट में डेफिनेटली दो रास्ते या फिर दो चैम्बर बने हुए हैं, एक से सोप के अंदर आने का और एक से सोप के बाहर जाने का। लेकिन क्योंकि पूरी तरीके से ये आपस में सील है, तो अगर मैं इसे ओपन करने की कोशिश करूँ तो भाई ये जाएगा टूट और हमारा डिस्पेंसर हो जाएगा ख़राब। लेकिन सेम चीज़ लगभग वैसी चीज़ मैंने दिखाई थी आपको वाटर डिस्पेंसर में, जिसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने इसे पूरी तरीके से पैक कर दिया है, अब ये चल जाए बहुत बड़ी बात होगी। अभी मैंने इसे ऊपर का कैप नहीं लगाया है, तो ये रिफिल अटैच और देखते हैं क्या फोम निकलेगा। ये तो बंद हो गया, ऑन एक बार ऑन, ओफो सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया। तो सर एक गड़बड़ जरूर से हो गया, इसके ऊपर की बटन ख़राब हो गई, अभी ऊपर से चालू बंद नहीं होता है। अगर चालू है तो ये हमेशा चालू ही रह जाएगा, बंद है तो हमेशा के लिए बंद ही रह जाएगा। ये बड़ी दिक्कत हो गई अब तो।